हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स का अड्डा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने प्रूव किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए या आप अनसॉल्व पेपर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं या तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल हमेशा दिखेगा। तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द वे ऑफ टिक्स। तो आई होप आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस रिफ्रैक्शन से पहले आप रिफ्लेक्शन सीखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो यहाँ पे मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और सीखेंगे कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कल बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो जनरल प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी को आपको हमेशा याद रखनी है कि एक राइट एंगल था 90 डिग्री का, फिर एक और राइट एंगल ऐसे हो गया। तो जो ये एंगल होता है थीटा, ये हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। यह एक राइट एंगल ये है और एक ये है, तो ये एंगल जो हमेशा होता है इस एंगल के बराबर होगा। तो ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो इसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखना है या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री को इंसाइड कर रहे हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो रिफ्रैक्शन जनरली क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो हर एक मीडियम का बच्चों क्या होता है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है, जितना ज्यादा डेंस मतलब वहां पे जितना ज्यादा क्राउडेड होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट उतनी क्या होती है, कम होती है। और जो मीडियम जितना ज्यादा क्या होता है, खाली होता है, रेयरर होता है, ठीक है, तो वहां पे स्पीड उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जनरली क्या होता है, मीडियम में चेंजेस की वजह से, उसकी डेंसिटी में चेंज की वजह से क्या होता है, लाइट की जो स्पीड होती है उसमें वेरिएशन आता है, उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं, ठीक है। फर्स्ट तो वही जनरल सा लॉ है कि जो आपका इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो रिफ्रैक्ट करके रे जाएगी और जो नॉर्मल होंगे, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सेकेंड, वहां पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको आना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का, जो साइन एंगल होता है, दैट अपॉन साइन एंगल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनका जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाद में बच्चों इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया था म्यू। तो आज हम क्या करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से इन दोनों लॉस को यहां पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहला क्या प्रूफ करेंगे कि तीनों प्लेन, जो तीनों रेज है वो एक ही प्लेन में है, या नॉर्मल और दो रेज जो है वो एक ही प्लेन में है, प्लस जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो बच्चों अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डायग्राम आ गया समझ में तो आपका पूरा प्रूफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बेसिकली ये मतलब सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट है, बच्चों का बहुत कम समझ आता है, लेकिन जिसने अगर डायग्राम बनाना सीख लिया है तो उसको ये जरूर आएगा। तो वीडियो गौर से देखें और पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए हम बात करें किसी दो मीडियम की। सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं कि कोई रे कहां जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है, ठीक है, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर। रेयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और म्यू वन से कहां जा रही, म्यू टू। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे म्यू टू क्या होगा, म्यू वन से बड़ा, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो स्पीड है लाइट की, स्पीड इन रेयर मीडियम, सपोज मैंने मान ली सी वन, स्पीड इन रेयर मीडियम मैंने मान ली सी वन, और स्पीड इन डेंसर मीडियम मैंने मान ली सी टू, ठीक है। मतलब जो लाइट हमारे, जैसे आपको बताया कि ड्यू टू द वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड में क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो रेयरर में सी वन है तो डेंसर में क्या हो गई, सी टू हो गई। और जबकि रेयरर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और डेंसर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अब डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब चलिए हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है, यहां पे ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और नीचे क्या है बच्चों, डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अब क्या हुआ बच्चों, एक प्लेन वेव फ्रंट, क्या हुआ, एक
सेकेंड वेव फ्रंट क्या हो गई, आई, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा मैं कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक प्लेन वेव फ्रंट आई कुछ यूं, ठीक है। तो टाइम जब जीरो था, टाइम जब जीरो था तो ये कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पे, और यहां पर ये कहां पर है, पॉइंट बी पर ही है, ठीक है। और यहां पे इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, सी वन, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम, ओके। अगर मैं यहां पे बच्चों एक नॉर्मल डाल दूं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब देखिए ये एक 90 डिग्री बन रहा है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बनाई थी कि इस अगर इस प्रॉपर्टी यूज करूं तो यहां पे ये एंगल भी किसके बराबर होगा बच्चों, आई के बराबर, ठीक, ओके। अब अगर आफ्टर टाइम टी, ये तो टी इक्वल टू जीरो पे था, अब अगर टाइम टी के बाद क्या होगा बच्चों, ये जो रे है ये कहां पहुंच जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। और यहां पे कब पहुंची है, आफ्टर टाइम टी, फिर हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इस मीडियम में स्पीड है सी वन और टाइम कितना ले रहा है टी, तो इट इज सी वन इंटू टी। तो टाइम टी के बाद बच्चों ये बी वाला पॉइंट सी तक पहुंचने में इतनी कितने डिस्टेंस कवर की बच्चों, सी वन इंटू टी, ओके। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब ये आगे बढ़ेगी तो ये भी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यहां थी, तो इसको अगर हमने कुछ टाइम दिया, तो अगर ये यहां आई तो आप मानो कि ये भी कहां चलेगी, आगे को चलेगी, मतलब इसने भी क्या किया होगा बच्चों, कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने भी क्या की होगी, कवर की होगी। अब फर्स्ट चीज देखिए आप, ये जो रे है ये जा रही है रेरर से डेंसर, तो जनरली अगर यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये रेरर से डेंसर जा रही है बच्चों। जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो वो हमेशा कहां की तरफ बेंड करती है बच्चों, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं जनरली इसको जाना था इस तरह से, लेकिन ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी बच्चों, बेंड होगी। और हमने ये माना सपोज कि टाइम टी में ये पहुंच गई पॉइंट डी पर, ठीक है बच्चों, क्या किया, जैसे टी टाइम पे बी कहां, बी से सी में ये वाला पार्ट पहुंच गया, तो ये भी आगे बढ़ेगा, ए वाला पॉइंट भी आगे बढ़ेगा, और वो कहां पहुंचा, वो पहुंच गया पॉइंट डी पे, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की बच्चों, देखो अब सेकंड डेंसर मीडियम में स्पीड क्या है, सी टू, तो और टाइम कितना है टी टी, तो स्पीड कितनी कवर करेगा, इट इज कवर स्पीड सी टू इंटू टी। तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाए, इसको मैंने इस तरह से मिला, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इसने बच्चों, C2 into D, और ये पॉइंट क्या था बच्चों, दिस पॉइंट इज C, ठीक है। चलिए यहां की तो बात होगी, अब मैं यहां की बात करूं, अब ये भी यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर मैंने नॉर्मल बनाया, अब ये भी जाना चाहिए था इसने सीधे ऐसे, लेकिन रेरर से डेंसर जा रही तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो जो बच्चों ये जो मुझे वेव फ्रंट मिल रही है डी सी, जो ये बननी है, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगी बच्चों, ठीक है, क्या होगी ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा और एक चीज देखिए, अब ये पॉइंट सी है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये पॉइंट सी है। अच्छा अब देखो ये है नॉर्मल और ये है दैट रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है बच्चों क्या बनता है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर से वही बात है, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री, एक 90 डिग्री ये है और एक 90 डिग्री ये है, तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आर के बराबर। आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री ये है और एक 90 डिग्री बच्चों ये है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे सीधे भी लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगी, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट होगी, तो मैं यहां पे इस पर लिख भी देता हूं इंसिडेंट, और कौन सी वेव फ्रंट है ये बच्चों, प्लेन, और रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन के बाद में मुझे क्या मिली बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट मिली, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एक बार मैं फिर इसको दोबारा बता दे रहा हूँ जिसको अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है। देखिए टाइम जब जीरो था तो ये पहुंचा ए पे, लेकिन बी दूसरा पार्ट कहां पे था, बी पे ही था। ठीक है, तो कुछ टाइम लिया इसने बी ने कि टी यहां पहुंचे सी पे, तो उसने कितना टाइम लिया टी। तो जब बी बी से सी तक पहुंचा तो इसने डिस्टेंस कवर की सी वन इंटू टी। ओके, तो उसी सेम टाइम में ये ए पॉइंट भी क्या करा होगा, आगे बढ़ गया होगा। अब क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा तो रिफ्लेक्शन पैटर्न मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो जब ये बी पॉइंट सी पे पहुंचा तो ए कहां पहुंच गया, डी पे। तो इसने भी डिस्टेंस कवर कर ली बच्चों यहां पर सी टू टी। तो अब ये अगर मैं इनको मिला दूं तो ये मुझे क्या मिल गया, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, स्नेल्स लॉ क्या करना है यहां पर प्रूफ करना है। तो स्नेल्स लॉ प्रूफ कैसे होगा देखिए बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट बात है यहां पे जो एंगल है 90 डिग्री है, ये एंगल भी यहां पर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए दो ट्राइंगल हमें यहां पर मिल रहे हैं और मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके, अब यहां पे अगर मैं देखूं ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ओके इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए बच्चों ये आई मुझे साइन आई की जरूरत है। उससे पहले आपको हमें अभी मैंने जैसे आपको बताया था यहां पर कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। अब मुझे क्या जरूरत है, साइन आई की जरूरत है और साइन आर की जरूरत है। तो मेरे पास दो ट्राइंगल यहां पर मिल रहे हैं बच्चों, अगर आप देखें एक है ट्राइंगल ए बी सी और बच्चों दूसरा ट्राइंगल जो है मेरे पास वो है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो अगर मैं यहां से साइन आई निकालू बच्चों, ठीक है, तो साइन आई क्या होगा, देखो अब ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब कभी भी एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। कौन सी वाली, जो एंगल के अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बना दू बच्चों, ये है एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये थीटा है तो इसके जो सामने वाली साइड है तो वो क्या होगी परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड बच्चों ये है, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना करिएगा। तो यहां पे अगर मैं साइन आई निकालू तो जनरली जो साइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन, अब यहां पे हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड और वो क्या है ए। अब बच्चों ऐसे ही मैं अगर इस ट्राइंगल को देखू ट्राइंगल ए डी सी, तो यहां पे मैं साइन आर निकाल सकता हूं। अब ये आर है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, आर इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। और इसमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी टू टी अपॉन क्या होगा इंटू ए सी। तो बच्चों मुझे साइन आई मिल चुका है, साइन आर मिल चुका है, तो मैं क्या कर दू दोनों का रेशियो निकाल दू। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी वन टी अपॉन ए सी, सी टू टी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल बच्चों, टी से टी कैंसिल। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या बच गया यहां पर सी वन अपॉन सी टू, और सी वन अपॉन सी टू हमेशा क्या होगा बच्चों कॉन्स्टेंट। ठीक है, कैसे, सपोज C1 है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और C2 है सपोज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल कैंसिल, तो कितना बच गया 1.5। तो ये 1.5 क्या है बच्चों कांस्टेंट। तो यहां पे क्या प्रूव हो गया कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट। तो ये अगर यहां पर हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया बच्चों, स्नेल्स लॉ यहां पर क्या हो गया है प्रूफ। तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल भी आ सकता है 3 मार्क्स में, या लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन आपको हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से क्या करने होते हैं प्रूफ। तो लॉज पहला लॉ मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया था, अब ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट भी इसी प्लेन में है, रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट भी इसी प्लेन में है ये वाले प्लेन में, और नॉर्मल भी तीनों क्या कर रहे हैं इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये पहला लॉ प्रूव हो गया रिफ्रेक्शन का कि इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों ये दोनों प्रूव हो चुके हैं।
अगर जनरली अगर आपसे डेंसर टू रेयरर पूछें तो प्रोसेस बच्चों सारी सेम होनी है, बस यहाँ पे जब डेंसर से रेयरर आता है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करके आपने इसको कर लेना है। तो अगर आपको ये आ गया तो आपको डेंसर टू रेयरर भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो हमेशा बोर्ड में क्या होता है बच्चों, 90 से 95% चांसेस होते हैं या इस क्वेश्चन के आने के लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आने के चांसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और खूब सारी पढ़ाई करनी है मन लगा के और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना है।